थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ये आपका लेसन है गुडविल, ये आपका गुडविल चैप्टर है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ख्याति। ख्याति कहते हैं, ख्याति के बारे में हम लोग पहले बताए हुए थे कि ख्याति क्या है, और पुनः भी हम ख्याति के बारे में बता रहे हैं कि ख्याति एक आपका क्या है, अदृश्य संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है जिसको देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ इसको क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं। ख्याति जो है एक प्रकार का जो है अतिरिक्त लाभ जो आपको व्यवसाय के मौद्रिक मूल में आता है। व्यवसाय के जो मौद्रिक मूल होते हैं, व्यवसाय के मौद्रिक मूल को ही हम लोग क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं। आइए हम लोग चलते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 है इसमें क्या कह रहा है सो ध्यान दीजिए। इसमें आपका जो है सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड आपका सवाल है जिसमें आपको फाइंड करना है गुडविल। गुडविल को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो आपके सवाल में जो दिया हुआ है इसमें आपको मैंने एक्चुअल प्रॉफिट आपको दे दिया है कितना, 15,000 रुपया। कितना दिया है, 15,000 रुपया आपका एक्चुअल प्रॉफिट दे दिया है। इसमें कैपिटल इन्वेस्टेड भी आपको दिया हुआ है सवाल में कितना, 50,000 रुपया। कैपिटल इन्वेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, विनियोजित पूंजी, जो 50,000 रुपया विनियोग किया गया है। इसमें आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको दिया है कितना, 15% दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड गुने रेट ऑफ रिटर्न बटे आपका क्या होता है, 100। तो आइए हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं जिसमें आपको कैपिटल इन्वेस्टेड कितना दिया, 50,000, और इसका लेंगे 15%, 15/100, ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 15/75 आपका निकल गया कितना, 7,000 के तय कर गया, 500 रुपया। आइए हम लोग चलते हैं सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट बड़ा फॉर्मूला होता है क्या चीज, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। माने एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग किसे कहते हैं, अब ये थोड़ा सा याद ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक लाभ। क्या कहते हैं, वास्तविक लाभ, यह उसका नाम होता है क्या, सामान्य लाभ। तो अब आइए हम लोग चलते हैं, यह एक्चुअल प्रॉफिट आपका दिया हुआ है कितना, 15,000, और आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया 7,500। इसमें हम लोग क्या कर, 15,000 और 7,500 क्या कर दिए है, लेस कर दिए है, तो निकल गया 7,500। अब हमको निकालना है गुडविल, क्या निकालना है, गुडविल हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो गुडविल बराबर आपका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट उन्हें आपका होता है क्या, परचेजिंग। आइए सुपर प्रॉफिट हम लोग निकाल लिए कितना, 7,500 रुपया। कितना निकालिए, 7,500 रुपया आप लोग क्या किए हैं, सुपर प्रॉफिट निकाल लिए। सुपर प्रॉफिट गुने परचेजिंग ईयर, तो परचेजिंग ईयर आपको कितना दिया, 3। कितना दिया है, 3 वर्ष का क्रमु के आधार पर कितना ख्याति को मूल्यांकन करने के लिए 3 दिया, 3 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखिए 0 से 0, 0 से 0, 5 से 15, 5 हाथ में कितना, 1, 7 या 21, 1 कितना 22, 22 से 500 रुपया इसका गुडविल हो गया। आइए हम लोग चलते हैं, अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं, 19 हम लोग बता दो, 19 के बाद अब लोग चलते हैं 26वां सवाल में क्या कह रहा है, इसमें भी कहता है आपको फाइंड करने के लिए गुडविल, आपको ख्याति की गणना करता करने के लिए। इसमें एयर्स दिया हुआ है, एयर्स आपका फर्स्ट ईयर दिया है, सेकेंड ईयर दिया है, थर्ड ईयर दिया, फोर्थ ईयर दिया है। इसमें नेट प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना दिया, 20,000, सेकेंड ईयर का नेट प्रॉफिट कितना दिया, 22,000, थर्ड ईयर का नेट प्रॉफिट कितना दिया, 28,000, और फोर्थ ईयर का नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 34,000। इसको हम लोग जोड़ लिए तो निकल गया कितना, 1,00,000 आपका कितना निकल गया, 1,04,000। ये आपका निकल गया नेट प्रॉफिट फोर्थ माने 4 ईयर्स आपको निकल गया 1,04,000। तो 1 ईयर का नेट प्रॉफिट कितना निकलेगा, तो 1,04,000 बटा कितना लिखेंगे, 4, इसको काट देंगे तो 4 × 8 उतर गया 2, 24 हो गया, तो 4 × 24 निकल गया 26,000, आपका निकल गया 26,000। आइए अगेन में पुनः हम लेते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड आपका कितना दिया, 1,20,000 जो आपके प्रश्न में दिया गया है। कैपिटल इन्वेस्टेड 1,20,000, इसमें माने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना दिया, 10% जो आपके प्रश्न में दिया गया है। उसमें हम लोग निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड और गुने होता है क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटे कितना होता है 100। अब आइए कैपिटल इन्वेस्टेड कितना दिया, 1,00,000, 1,00,000 रुपया का 10% बटे 3/100, ये 0 से 0 कैंसिल करें, ये 0 से 0 कैंसिल करेंगे, निकल गया 12,000। ये आपका कितना निकल गया, 12,000 निकल गया। अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, क्या निकालेंगे,
सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल नेट प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसको जो है एक्चुअल नेट प्रॉफिट आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो निकला है वन ईयर का नेट प्रॉफिट उसी को आप लिख सकते हैं एक्चुअल ACTUAL एक्चुअल नेट प्रॉफिट PROFIT एक्चुअल नेट प्रॉफिट इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आइए इसमें हम लोग लिखते हैं सुपर प्रॉफिट वाला एक्चुअल नेट प्रॉफिट माइनस आपका क्या होगा नॉन प्रॉफिट हो गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करें एक्चुअल आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकला है कितना 26,000 जो आपका यहाँ 26,000 निकला है। आपको नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकल गया कितना 12,000 तो 26,000 में से 12,000 हम लोग लेस कर दिए तो कितना निकल गया 14,000 कितना निकल गया 14,000 निकल गया। अब आइए गुडविल निकालेंगे तो गुडविल बराबर क्या फॉर्मूला होता है आइए हम चलते हैं। गुडविल बराबर फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट गुणे आपका क्या होता है परचेजिंग यस कौन यस परचेजिंग यस होता है। अब आइए सुपर प्रॉफिट आपका निकला 14,000 अब परचेजिंग यस कितना दिया 3S दिया हुआ है अब इसको गुणा कर चौथिया कितना 42 दिया आपका कितना होगा 42,000 हो गया। ये आपका 26 नंबर सवाल आपका सॉल्व हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 32 दिया है 32 नंबर क्वेश्चन में आपको कैपिटलाइजेशन मेथड दिया है पूंजीकरण विधि से आपको क्या करना पड़ रहा है। इसमें भी आपको दिया एक्चुअल प्रॉफिट आपका दे दिया कितना 3,00,000 रुपया दिया है। इसमें आपको फाइंड क्या करना है सबसे पहले टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म तो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म को निकालेंगे इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट गुने आपको होता है क्या होता है माने 100 बट्टा आपका होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब आइए एक्चुअल प्रॉफिट आपका दिया 3,00,000 उसके बाद 100 बट्टा आपका रेट ऑफ रिटर्न दिया कितना 12 अब इश्यू काट देंगे तो 300 का कितना का 12 यहाँ 1 हो गया 00 और 000 यहाँ बैठा देंगे ठीक है। अब ये 4 हो गया 4 से इसको काट देंगे 100 को तो 2500 का कितना 100 25 को 100,000 से मल्टीप्लाई करें कितना का 25,00,000 निकल गया। इसमें आपका जो सवाल में जो दिया हुआ है इसमें एसेट्स दिया हुआ है और आउटसाइड लाइबिलिटी भी दिया हुआ है। ऐसे एसेट्स आपका दिया कितना 36,00,000 दिया है और आउटसाइड लाइबिलिटी आपका कितना दिया 12,00,000 दिया हुआ है। इसमें आपको नेट एसेट निकालना है तो नेट एसेट निकाल लेंगे तो नेट एसेट बराबर फॉर्मूला है तो एसेट्स माइनस कितना आउटसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी का मतलब बाहरी दायित्व जो बाहरी दायित्व इसमें शामिल है इसको निकालना है तो 36,00,000 में से 12,00,000 हम लोग क्या करेंगे लेस कर देंगे तो कितना निकल गया 24,00,000 कितना निकल गया 24,00,000 निकल गया। अब गुडविल बराबर फॉर्मूला होता है गुडविल बराबर फॉर्मूला होता है क्या चीज टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस आपका क्या होता है नेट प्रॉफिट। अब आइए टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है ना आप फर्म आप माइनस क्या होता है नेट प्रॉफिट आप इसमें दिया कितना दिया है टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कितना दिया है टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म दिया है 25,00,000 याद किए 25,00,000 और उसमें दिया है नेट एसेट्स आपका मान निकला है कितना 24,00,000 नेट एसेट्स का मान निकला है। तो अब आइए तो 25,00,000 में से 24,00,000 क्या करें घटा देंगे तो बच गया कितना 1,00,000 यही आपका आंसर हो गया दैट्स ऑल।